तत्पुरुष समास। अब इसको देखना, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा, बोलो प्रायेण। इसलिए कहा कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर पद प्रधान ना हो, पर अक्सर 99% जगहों में जो तत्पुरुष होगा उसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो। अब देखना, आप उत्तर पद जानते हैं, बाद वाला पद, और अर्थ प्रधान भी समझ गए। ऐसा समास जिसमें बाद वाले अर्थ का प्रधान हो, माने ये अव्ययी भाव का उल्टा है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान हो, कोई दिक्कत? पूर्व पद प्रधान वाला समास कौन सा है? उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, बस बिल्कुल राइट चल रहे हैं। इसीलिए अव्ययी के भाव, अव्ययी भाव के बाद सीधे तत्पुरुष बता रहे हैं कि पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो तो अव्ययी भाव कहिएगा। अच्छा, अर्थ प्रधानता समझा दिए ना, पूर्व पदार्थ कैसे, भाई वो अव्यय था, सबको अव्यय बना लिया, लेकिन इसमें बाद वाले पद की गुंडाई चलेगी। हाँ, जिसमें बाद वाला गुंडा हो वो तत्पुरुष है। कौन है? हाँ, अव्ययी भाव में अव्यय की चलती थी, इधर उत्तर वाले पद की चलेगी, आगे वाला पूर्व पद लुल रहेगा। लुल मतलब समझ गए? हाँ, जैसे अव्ययी भाव में उत्तर पद लुल था, इधर पूर्व प्रधानता का मतलब वही जो मुख्य हो, जो मेन हो ना, परिभाषा यही लिखी है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। अक्सर जहाँ उत्तर पद की प्रधानता आपको दिखाई पड़े उसको आप तत्पुरुष कहेंगे, बोलो हाँ। अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। वही बात है जो ऊपर लिखा उसी का हिंदी लिखा है। अब हिंदी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट संस्कृत पढ़िए, डायरेक्ट संस्कृत पढ़िए, उत्तर पदार्थ प्रधान है क्या। अब मान लो आपसे पूछ ले कि जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वह कौन सा समास है, तत्पुरुष है। जैसे गंगा जलम आनय, क्या लिखा है? यहाँ आने इस क्रियापद के साथ जलम का साक्षात संबंध है, जल उत्तर पद की। हाँ, अब इसको समझो, हिंदी छोड़ दो, हिंदी छोड़ो, हटाओ बात, इसको समझो। गंगा जलम आने, आने माने लाओ, आने माने लाओ, आने माने लाओ, क्या लाओ? गंगा जल लाओ। तो एक पद है गंगा, एक पद है जल। देखना, गंगा नदी विश्व में भी था, नदी विश्व में पंचगंगम था ना, तो केवल गंगा देख के ना आप यही भाव में सकते हो नहीं, गंगा जलम में गड़बड़ा जाओगे। वहाँ पंचगंगम में पंच पहले था, गंगा बाद में था, इसीलिए पंचगंगम में अब यही भाव, यहाँ गंगा पहले। वहाँ देखिए, इसीलिए गंगा गंगम हो गया था, गंगा पंचगंगम, पंचगंगा नहीं था पंचगंगम, यहाँ देखिए गंगा है, इसलिए कि गंगा पद में वहाँ तो नपुंसक लिंग एक वचन होना था। अब यहाँ लिखो आने माने लाओ, आने माने लाओ, क्या लाओ? तो यहाँ आप ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, गंगा ले जाएंगे कि जल ले जाएंगे? ऐसे पूछ आ रहे हैं, जाबे भगीरथ बन के गंगा ले, कोई गंगा जल मांग रहा तो क्या लाएंगे? जल ही तो लाएंगे। तो आने क्रिया के साथ जो कहा कि लाओ, तो आपने क्या लाए? जल। अब वो जल चाहे गंगा का हो, जमुना का हो, कुआं का हो, नल का हो, बोर का हो, बोलो हाँ। तो यहाँ आने से आप जल लेकर के जाते हो, तो लाने में जल की प्रधानता है ना कि गंगा की। आने यह क्रियापद जल के साथ अन्वित हो रहा है, जल से इसका संबंध है ना कि गंगा से। यदि आप लाना कोई कहे कि लाओ और आप गंगा लेके पहुँच जाओ, इसका मतलब पूर्व पद की प्रधानता है। उत्तर पद की प्रधानता देख रहे हैं, उत्तर पद की प्रधान पद वो होता है अर्थात क्रिया से किसका संबंध हुआ। आपने कहा आने माने लाओ, तो आप क्या लेके गए? पद का पदार्थ पूछ रहे हैं, तो गंगा माने तो गंगा नदी होता है, गंगा माने गंगा नदी, तो गंगा नदी लेके तो जाते नहीं हो, आप जल लेके जाते हो। ये सही है कि वो जल गंगा का, वो जल गंगा का है, लेकिन आने क्रिया के साथ जल का अन्वय हुआ, इसलिए गंगा और जल इन दो पदों में उत्तर पद की प्रधानता है। किसकी पद की प्रधानता है? और जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहें, बोलो हाँ या ना। यही आपको देखना है, आगे भी देख लेना, कहाँ आगे बढ़ना है, इधर पीछे। अब तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, एक उदाहरण और ले लीजिए, राजपुरुषा में तत्पुरुष समास है, राजपुरुषा,
राजपुरुषा, ये किसका उदाहरण है? सुने होंगे ना, तो सुने हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जो सुने हैं उसमें देखना। जैसे हम ये कहें कि राजपुरुषः गच्छति, राजपुरुषः गृहं गच्छति, ऐसा बोल लो। तो राजपुरुषः माने क्या? राजा का पुरुष, राजा का पुरुष उसको कहते हैं जो राजा के यहाँ कर्मचारी हो, राजा के यहाँ नौकरी करता हो, राजा का सेवक हो सकता है, राजा का सारथी हो सकता है, राजा का घोड़ा धोने वाला हो सकता है, राजा के यहाँ गाय लगावे वाला हो सकता है, राजा के यहाँ झाड़ू पोछा, वो राज कर्मचारी हो सकता है, राजा के यहाँ का कर्मचारी, यही अर्थ हुआ ना। इसमें दो पद हैं, एक है राजा और एक है पुरुष। तो जब आप ये कहते हैं कि राज पुरुषः गृहं गच्छति, तो कौन जा रहा है? गच्छति क्रिया माने जाता है, तो कौन जा रहा है? राजा जा रहा है कि पुरुष जा रहा है? कौन जा रहा है? तो गच्छति क्रिया का संबंध पुरुष से है कि राजा से? तो गच्छति क्रिया का संबंध जिससे है वही पद प्रधान है। क्रिया का संबंध, क्रिया का अन्वय, क्रिया के साथ जिसका अर्थ हो वही प्रधान है, बोलो हाँ। इसलिए राजा और पुरुष में पुरुष पद उत्तर पद है। पुरुष पद क्या है? और जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष होता है। इसलिए राजपुरुषा में भी तत्पुरुष समास है। अब आगे अगली बात है कि षष्ठी तत्पुरुष की द्वितीय, तत्पुरुष की तृतीय, अगले चर्चा करेंगे। अभी तो हम तत्पुरुष की चर्चा करें, अर्थात अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, और वह समास तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद। ऐसे सवाल पूछे तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तब दो ही लिखेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष और अधिकरण माने होता है विभक्ति, और समान माने समान। यदि दोनों पदों में समान विभक्ति है तो समानाधिकरण, और व्यधिकरण, अधिकरण माने विभक्ति, व्य माने अलग अलग, यदि अलग अलग विभक्ति है दोनों पदों में, पूर्व पद में अलग विभक्ति, उत्तर पद में अलग विभक्ति, तब वो व्यधिकरण तत्पुरुष होगा। और यदि पहले पद में भी प्रथमा है, दूसरे पद में भी प्रथमा विभक्ति है, दोनों में समान विभक्ति है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष। इतनी मोटी मोटी बात जान लीजिए, समान माने बराबर, अधिकरण माने विभक्ति। यदि समान विभक्ति है, प्रथमा प्रथमा दोनों में है, तो समानाधिकरण। और यदि पहले में द्वितीया है और बाद में प्रथमा है, तो द्वितीया तत्पुरुष। यदि पहले वाले पद में तृतीया विभक्ति है और दूसरे वाले पद में प्रथमा है, अलग अलग हो, सेम विभक्ति ना हो, तो जब सेम विभक्ति नहीं होती है तो व्यधिकरण तत्पुरुष, और जब समान विभक्ति होती है, अब देखो समानाधिकरण तत्पुरुष बताया। समानाधिकरण को सम विभक्तिक भी कह सकते हैं। सम विभक्तिक समझ में आ गया? समान विभक्ति वाला, सम विभक्तिक माने भाई दो पद रहेंगे ना, पूर्व पद और उत्तर पद, बोलो हाँ या ना। तो पहले पद में जो विभक्ति लगी है वही विभक्ति उत्तर पद में दूसरे वाले पद में लगे, वो सम विभक्तिक कहलाएगा। इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति यानी प्रथमा लगी रहती। क्या लिखा है? अब समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। ये लिखा है तत्पुरुषा समानाधिकरणा कर्मधारया, ये पाणिनि की लाइन, पाणिनि की लाइन को समझना। पाणिनि ने इसीलिए देखे, जो आप समासा पंचधा कहते हैं ना, तो पाणिनि ने कहा कि तत्पुरुष ऐसा तत्पुरुष जिसमें समान अधिकरण हो, समान विभक्ति हो, उसको कर्मधारय कहते हैं। बोलो हाँ या ना। जब समान विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय हो गया तो कर्मधारय कोई अलग से समास थोड़ी ना हुआ, वो तो तत्पुरुष समास का एक भेद ना हुआ। बोलो हाँ। इसीलिए समासा पंचधा कहा, क्योंकि वरदराज ये कहते हैं, ये पाणिनि कहते हैं, वरदराज इसी आधार पर कहते हैं कि कर्मधारय अलग से समास नहीं है, ये तत्पुरुष का भेद है। आपसे पूछ ले कि कर्मधारय समास किसका भेद है, तो क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास के दो भेद हुए, एक समानाधिकरण एक व्यधिकरण, तो समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय, समानाधिकरण तत्पुरुष ही। हाँ, और ये TGT में एक बार सवाल पूछा था 2009-10 में कि समानाधिकरण तत्पुरुष को कौन सा समास कहते हैं, या कर्मधारय समास को किसका भेद है, कोई दिक्कत?
और ये सवाल आपसे भी हो सकता है कि मान लो ऐसा पूछ ले कि समानाधिकरण, वैसे तो हम कर्मधारय को अलग से समास गिने हैं तभी छह समास करते हैं, तो तत्पुरुषा समानाधिकरणा क्या? तो कर्मधारय में दोनों विभक्तियां समान होंगी, ठीक है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले व्यधिकरण तत्पुरुष देख लीजिए, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां लगी हों वो व्यधिकरण होगा, अभी बता चुके ना। जैसे भी माने विषय, अधिकरण माने विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्यधिकरण कहेंगे, पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी होती हैं उनके आधार पर ही तत्पुरुष के प्रमुख भेद किए जाते हैं, ये आपको समझना है। जैसे यदि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगी हो तो द्वितीय तत्पुरुष, नाम सुने कि नहीं, यदि पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगी हो तो, और यदि पूर्व पद में चतुर्थी लगी हो तो चतुर्थी तत्पुरुष, यदि पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लगी हो, पूर्व पद माने जब आप दोनों पदों का लौकिक विग्रह करेंगे तो अलग अलग विभक्ति ना लगी होगी, और पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगी हो तो षष्ठी तत्पुरुष, पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति लगी हो तो, और यदि दोनों पदों में प्रथमा लगी हो तो प्रथमा तत्पुरुष ही कर्मधार है। बोलो हाँ, समानाधिकरण बताया ना, तो आप देखना प्रथमा तत्पुरुष ही क्या है, कर्मधारय है, और द्वितीय से लेके सप्तमी तक ये व्यधिकरण तत्पुरुष है। व्यधिकरण तत्पुरुष के छह भेद, प्रथमा तत्पुरुष कहाँ चला गया, वो तो कर्मधारय हो गया ना। द्वितीय तत्पुरुष में प्रथम पद किस विभक्ति में होगा, द्वितीय में, और तृतीय तत्पुरुष का जो प्रथम पद होगा वो किस में होगा, चतुर्थी तत्पुरुष, इसलिए चतुर्थी है कि इसका पहला वाला पद चतुर्थी में रहेगा। पंचमी तत्पुरुष, इसलिए पंचमी तत्पुरुष कहा जाता है कि इसका पहला वाला पद, समझ में नहीं आ रहा का, आगे उदाहरण बताएंगे समझ में आएगा। आपको आ रहा है पक्का? ये उपसर्ग हैं, पीछे वाले, बीच वाले, हाँ, तो ये ना सोचें कि केवल उपसर्ग से काम चल जाएगा। उपसर्ग की औकात तभी है जब वो धातु के साथ लगे, नहीं उपसर्ग अकेले लुल्ल है। बोलो हाँ, तो बीच वाले सोचें कि हाय राम हम धातु बन गए, आप ही तो मेन हैं। और प्रत्यय भी ये ना सोचें भाई प्रत्यय, प्रत्ययों की औकात कब है, जब धातु के साथ लगें और कोई नया पद बनावें। बोलो हाँ, इसीलिए पीछे वाले भी प्रत्यय हैं तो वह समझें कि भाई धातु के साथ मिलना पड़ेगा, और धातु वाले भी सोचें आपो लुल्ल हो, जब तक प्रत्यय ना जुड़ी तब तक कोई पद ना बनी। इसलिए समास में या कि किसी भी पद को बनाने में हमें उपसर्ग भी चाहिए, प्रत्यय भी चाहिए। केवल धातु से काम नहीं चलेगा, केवल उपसर्ग से काम नहीं चलेगा, केवल प्रत्यय से काम नहीं चलेगा, इसलिए मिलजुल कर काम चलाइए। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे ना। हाँ, आगे देखना, ये द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद, और प्रथमा तत्पुरुष माने कर्मधारय, उसके प्रथम पद में भी प्रथमा रहेगी, द्वितीय पद में भी प्रथमा रहेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कृष्णा सर्पा, कृष्णा में प्रथमा है, सर्पा में भी प्रथमा है, इसलिए कृष्ण सर्पा कर्मधारय है। घन एव श्यामा, घन में भी प्रथमा है, श्याम में भी प्रथमा, इसलिए घन श्यामा क्या है, कर्मधारय। यहाँ तक समझ गए? अब कुछ तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, वो क्या, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समास के अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी हैं, बस सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नई समास कोई समास नहीं है, जैसे अनस्वह ब्राह्मणा इत्यादि कहते हैं ना, न ब्राह्मणा ब्राह्मणा, बोलो हाँ, यह भी तत्पुरुष है, यह भी भाई न अश्वह अनश्वह, आपसे पूछे कि अनस्वह क्या है तो ये लिखा है ना, नई तत्पुरुष समास, नई ऐसे समास का प्रादि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, अलुप तत्पुरुष समास, यानी द्वंद्व बहुव्रीही अव्ययी भाव तत्पुरुष के अलावा यदि कोई आपको मिलता है तो सब समझना कि तत्पुरुष का भेद है। इसीलिए कर्मधारय भी तत्पुरुष का भेद है, द्विगु कर्म तत्पुरुष का भेद है, नहीं भी तत्पुरुष का भेद है। और देखिए कु आ गया, प्रा आ गया, कु आ गया, प्रा आ गया, ये सब प्रादि है, और इसके साथ समास होगा तो प्रादि तत्पुरुष समास बनेगा। मैं केवल ये यहाँ दिखाने के लिए लिखा हूँ ना
ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मान लो आ जाए तो आपको ये देखना है कि नई प्रादि उपद अलुक इत्यादि यह सब भी क्या है, सब तत्पुरुष है। बोलो हाँ। आगे कहा द्वितीय, अब यहाँ से आपको समझना है, एक एक सूत्र के साथ उदाहरण देते चलेंगे। अभी हम प्रथमा तत्पुरुष छोड़ते हैं, कर्मधारय में आपको पढ़ाना ही उसको, इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ाया। अब द्वितीय से पढ़ते चलते हैं सप्तमी तक, आगे कर्मधारय मिलेगा उसको पढ़ लेंगे। द्वितीय तत्पुरुष समास में जिस तत्पुरुष समास का, वही बात जो अभी आपसे बताए हैं, द्वितीय विभक्ति में हो ऐसे द्वितीयांत सुबंत, सुबंत मतलब पद, सुबंत देख करके घबराइएगा नहीं, सुबंत पद का मतलब जिसमें रामा जैसे है, बालका, ये सब सुबंत है, रामम है, बालकम है, चालकम है, गायकम है, नायकम, ये सब क्या है, सुबंत। किसके साथ समास हो, श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय ये सूत्र पढ़ करके आपको समझना है, पढ़िए, द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन नहीं, अर्थात पहला पद द्वितीय में होगा और बाद में श्रित आए, पहला पद द्वितीय में होगा बाद में श्रित आए, द्वितीय तत्पुरुष पहला पद द्वितीय विभक्ति में होगा, बाद में अतीत आवे, पतित शब्द आए, गत शब्द आए, अत्यस्त शब्द आए, प्राप्त शब्द आए, आपन्न शब्द आए, इतने पदों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अत्यंत सरल सहज ये सूत्र यदि आपको याद हो जाए तो इसमें शब्द गिना दिया पाणिनि ने कि इतने पदों के साथ ही द्वितीय तत्पुरुष होगा। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसको देख लेना, श्रित गत यहाँ अतीत आपन्न श्रित प्राप्त गत आरूढ़ अतीत, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे वाला देखो, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, यही बाद में आपको दिखाई पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, यहाँ देखना, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न के साथ कौन सा समास, और पहला वाला पद द्वितीय में, पहला वाला पद देखो कृष्णम पहला पद है, द्वितीय है कि नहीं, शरणम लोकम भयम रामम सुखम, बाद वाला अरे बाद वाले में इनमें से कोई होना चाहिए, इनमें से श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, बाद वाला पद उनमें से रहेगा, और पहला वाला पद कोई भी हो सकता है लेकिन जो भी होगा वो द्वितीय में रहे। पहले वाले पद के लिए पाणिनि कहते हैं कि बस जो भी पद रहे द्वितीय में रहे। जब आप विग्रह करेंगे तो पहले वाले पद को किसमें करेंगे, और बाद वाले इतने पद चाहिए, श्रित चाहिए, अतीत चाहिए, पतित चाहिए, गत चाहिए, अत्यस्त प्राप्त अपन, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से आपको सिर्फ यही देखना है, सारे उदाहरणों में श्रित है तो द्वितीय श्रितातीत पतित में श्रित आना चाहिए, और पहला वाला पद कृष्णम द्वितीय में होना चाहिए, तो कृष्णम इस द्वितीयांत पद का श्रित इस पद के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नै इस सूत्र से। बोलो हाँ, वो पीछे वाला तो सूत्र है ना, बोलो ये भी एक तो हमारे लिए झंझट है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि श्रित अतीत पतित ये शब्द दिख रहे हैं, बोलो हाँ दिख रहे हैं, तो ये पद किधर के हैं, क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष कोई भी तत्पुरुष होगा, चाहे द्वितीय तत्पुरुष हो चाहे तृतीय, उसका उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, तो उत्तर में कौन कौन पद आएंगे ये प्रधान पद हैं, और ये प्रधान आएंगे तो पहला वाला पद ऑलरेडी द्वितीय में था इसलिए द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। उदाहरण है कृष्णम में द्वितीय थी, श्रित के साथ समास हुआ, ये श्रित नहीं आता तो द्वितीय तत्पुरुष समास नहीं होता, श्रित की वजह से द्वितीय हो गया इसीलिए उत्तर पद प्रधान है यहाँ, बोलो हाँ। यहाँ आगत के वजह से, ये आगत अतीत एक ही चीज़ है, गत आगत एक ही चीज़ है, गत वहाँ गिनाया गया है, आंग उपसर्ग है तो आगत बन गया, ऐसे अतीत आपन्न आश्रित प्राप्त आरूढ़ गत अतीत यही शब्द जो आ रहे हैं, इसलिए स्वर्गम गता स्वर्ग गता सुखम प्राप्त सुख प्राप्त
भयम आपन्ना भयापन्ना लोकम अतीतः लोकातीतः। अब यह ध्यान रखना है, लोकम में द्वितीया चली जाएगी तो लोक बचेगा, क्योंकि समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होगा और इधर की भी विभक्ति का लोप होगा तभी तो मिलेंगे। तो लोकम से द्वितीया चली गई तो बचा लोक, क्या बचा लोक। और इधर आया अतीत, लोक के कामे आ है, अतीत में भी आ है, तो आ के बाद आ आया, दीर्घ संधि हो गई, बन गया लोकातीत। बोलो हाँ, कैसे बन गया समझ में आया? इधर देखना कृष्णम था, द्वितीया का लोप हो गया, कृष्ण बचा, और इधर से श्रित बचा, तो कृष्ण और श्रित मिल गया, बन गया कृष्ण श्रित। क्या मिला? अब देखना कृष्णम में यहाँ द्वितीया नहीं है, समास होने के बाद विभक्तियों का लोप होता है, याद करो विभक्तिर लुप्यते यत्र। समास की परिभाषा पढ़े थे ना कि विभक्तिर लुप्यते यत्र, इसके पहले जो विभक्ति लगी होगी उसका लोप होगा, तो कृष्णम में द्वितीया लगी थी लोप हुआ। बोलो हाँ हाँ। शरणम में द्वितीया है तो शरणम में जब द्वितीया का लोप होगा तो ये माँ चला जाएगा ना, तो माँ द्वितीया का चिन्ह है, तो क्या बचेगा? शरण। क्या बचेगा? और आगे क्या है? शरण के नाम में आ है कि नहीं? आ के बाद आ आया। बोलो हाँ, दीर्घ संधि हुई, क्या बना? कर लेंगे। बोलो हाँ, बस इसी तरह सबका करना है। इसी तरह भयम आपन्ना, भयम के जब द्वितीया का लोप होगा तो माँ चला जाएगा, भय बचेगा, भय के या में आ है और इधर आ है, आ आ मिलकर बड़ा आ हो गया, भयापन्ना बना, भय को प्राप्त, प्राप्त माने बार प्राप्त, अतीत आगत श्रित। ऐसे रामम आश्रिता, रामम की द्वितीया निकाल दो, क्या बचेगा? राम। क्या बचेगा? आगे क्या है? राम के माँ में आ, आगे भी आ, आ आ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई, क्या बना? रामाश्रिता माने जो राम के आश्रित, ऐसा कोई भक्त जो राम का सहारा लिया है, ऐसे रामाश्रित सुख प्राप्त, अश्वारूढ़ स्वर्ग गता दुखम आतीता। कर लेंगे, कोई दिक्कत? कहीं भी आपको श्रित दिखे, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन, इतने पद दिखे तो समझना द्वितीया तत्पुरुष है। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना, सिंपल है सब कुछ। ऐसे ही तृतीया तत्पुरुष में क्या दिखेगा जी? अभी आप लोकम कृष्णम रामम भयम पहले पद में द्वितीया देख रहे थे, जब पहले पद में द्वितीया होगी तो द्वितीया तत्पुरुष, और पहले पद में तृतीया होगी तो, पहले पद में चतुर्थी होगी तो, पहले पद में पंचमी होगी तो, पहले पद में षष्ठी होगी तो, अब पहले पद में सप्तमी होगी तो। इन्होंने कहा जिस तत्पुरुष समास का, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद तृतीया विभक्ति में हो, ऐसे तृतीयांत सुबंध का तत्कृत यानी उसके द्वारा किए गए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ, गुणवाची शब्द हो या अर्थ शब्द हो, यही लिखा है। तृतीया माने तृतीया विभक्ति, तत्कृत माने उसके द्वारा किया गया अर्थ के साथ या गुणवाची शब्द हो, वो सूत्र से ज़्यादा आप उदाहरण में समझिए। संकुला माने होता है सरौता, कुछ लोग सरौता का इस्तेमाल करते हैं माने सुपारी उपाड़ी खाते हैं, सुपारी उपाड़ी खाते हैं कि नहीं? हाँ, तो आपके दादा बाबा लोग शायद खाते हों, बड़े बूढ़े बुजुर्ग। तो हम संकुला से क्या करते हैं? खंड करते हैं, खंड माने टुकड़ा। सरौता किस काम के लिए आता है? टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, टुकड़े करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सूत्र में लिखा था तत्कृत माने जो जिसके द्वारा किया जाए, तो किसके द्वारा किया गया? तो जिसके द्वारा किया जाएगा वो पूर्व पद में तृतीया में होगा, संकुला का तृतीया एक वचन होगा संकुलया, जैसे रमा का रमया, बालिका का बालिकया, ऐसे संकुला आकारांत है, स्त्रीलिंग की तरह रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? संकुलया। क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसी तरह धान्यन अर्थात धान्यन में तृतीया है और अर्थ के साथ समास हुआ तो धान्यन अर्थात धान्यन की तृतीया चली गई तो धान्य बचा। क्या बचेगा? धान्य के या में क्या है? आ, और आगे क्या है? आ, तो आ आ मिलकर क्या हुआ? इसलिए क्या बना? धान्य अर्थात धान, समझ रहे हैं? अन्न। और इसीलिए दाने ने अर्था में दाने ने, आपको ये पता है ना कि विभक्तियों का लोप होता है समास में, पढ़ के आए ना पीछे, तो विभक्तियों का लोप होगा, दाने में कौन विभक्ति है? लोप करो,
क्या बचेगा आगे क्या है, तो दान और अर्थ में संधि भी हो जाएगी, क्योंकि नाम में क्या है आ, आ दान के नाम में क्या है, तो आ के बाद आ आया, क्या बना दान अर्था। कोई दिक्कत, पहले पद में तृतीया हो और दूसरे पद में प्रथमा, प्रथमा तो दूसरे पद में सब में है ही है जनरली आप देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा तृतीया तत्पुरुष। अब सब में केवल हम ये दिखाने आए हैं, देखो मासेन में तृतीया, पित्रा में तृतीया, मात्रा में तृतीया, भ्रात्रा में तृतीया, मासेन में तृतीया, ज्ञानेन में तृतीया, नेत्राभ्याम में भी तृतीया का द्विवचन है, तृतीया का, वाचा में तृतीया, आचार्यण में तृतीया, गुणेन में तृतीया, आचार्यण में तृतीया, घृतेन में तृतीया, सब में तृतीया। क्या लिखा है, पूर्व पद कैसा है, तृतीयांत है कि नहीं, तो ये सारे पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही। बस एक बार ध्यान से सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरा सूत्र है जो तृतीया तत्पुरुष का है, शायद आपसे पूछ ले। इसमें ये लिखा है कि यदि बाद में पूर्व पद आवे, सदृश पद आवे, सम पद आवे, ऊन पद आवे, अर्थ आवे, कलह आवे, निपुण आवे, मिश्र आवे, श्लक्षण आवे और पहले पद में तृतीया हो, पहले पद में, तो वहाँ भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा। बोलो हाँ, देखना सूत्र में लिखा कि पूर्व पद लास्ट में अंत में आना चाहिए, उत्तर पद में क्या आना चाहिए, पूर्व। ये जितना लिखा है सब उत्तर पद लिखा है सूत्र में, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पूर्व पद है उत्तर में, यहाँ सदृश है, यहाँ भी सदृश है, यहाँ सम है, वहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ सम के बाद ऊन है, सम ऊन, ये देखो यहाँ ऊन है, या हीन, वो ऊन माने हीन, एक ही चीज़ है। आगे देखो हीन, कला, वो देखो यहाँ कला है, यहाँ निपुण है, देखो वहाँ भी क्या है, निपुण है, यहाँ मिश्र है, श्लक्षण है, वहाँ भी देखो मिश्र है, श्लक्षण है, वो पक्वम, वही मिश्रम श्लक्षम का एक अर्थ पक्वम भी है, या पादेन खंजा में भी वही श्लक्षण मतलब खंजता। तो इतने पद यदि बाद में आएंगे, पूर्व आवे चाहे सदृश आवे, चाहे सम आवे, चाहे ऊन आवे, अथवा इन्हीं के अर्थ वाला कोई और आवे, सम ऊन अर्थ लिखा है ना, इन्हीं का समानार्थी चाहे कोई और आवे, कलह पद आवे, निपुण पद आवे, मिश्र पद आवे, श्लक्षण पद आवे, तो तृतीया तत्पुरुष समास होगा। केवल केवल यही पढ़ना, मासेन में तृतीया का लोप हो जाएगा, मास बचेगा और यहाँ पूर्व है, बनेगा मास पूर्वा अर्थात महीने से पहले। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। पित्रा माने पिता के, सदृशा माने समान, जब पित्रा में तृतीया का लोप कर देंगे तो बने बचेगा पितृ, क्योंकि पितृ शब्द का ही तृतीया में पित्रा बनेगा ना, बोलिए हाँ, पितृ शब्द का तृतीया में क्या रूप बनेगा, तो जब पित्रा का लोप करेंगे तो क्या बचेगा, पितृ, क्या बचेगा, ये बैटरी ना डाउन करो, बोलत रहो, बैटरी डाउन हो जाएगी आपकी तो मज़ा नहीं आएगा, एकदम जोश में बने रहो। 3 घंटा पिक्चर देख लेते हो, बोलो हाँ, नहीं देखते हो, खूब सीरियल देख लेते हो, और इसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया, पितृ और सदृश शब्द बाद में आया, इसलिए क्या बन गया, पितृ सदृशा माने पिता के समान। ऐसे मातृ सदृशा, मात्रा में क्या है, तृतीया है, मात्रा में क्या है, यदि मात्रा में तृतीया नहीं होगी तो तृतीया तत्पुरुष समास नहीं होगा। और इधर पूर्व सदृश सम ऊन अर्थ कला निपुण मिश्र श्लक्ष में से यदि कोई, अच्छा ये ध्यान रखना, अब इनके अलावा कोई पद नहीं गुजर देना तृतीया लगा, बोलो हाँ या ना। पाणिनि जितने शब्दों को गिनाते हैं उतने शब्द उत्तर पद गिनाते हैं, इसलिए कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद ही प्रधान होता है, और जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, इसलिए पाणिनि अपने सूत्रों में उत्तर पद बताते हैं कि उत्तर पद कौन सा हो। पूर्व पद तुम्हारी मर्जी, मात्रा सदृशा कह दो चाहे पितृ सदृशा कर दो, बात समझ में आई, पूर्व पद की कोई, लेकिन जो भी पद रहेगा तृतीया में रहेगा, यदि इस सूत्र से कर रहे हैं तो तृतीया में रहेगा। अब कर्ता और करण कारक में तृतीयांत कृदंत के साथ कर्त करणे कर्ता बोलम, इसको आपने शायद पढ़ना हो, हरणा में क्या है, त्राता में क्या है, प्रथमा है, तो पहले पद में तृतीया है, बाद में त्राता है, तो तृतीया का लोप करो, क्या बनेगा, हरि, और इधर क्या है, तो क्या बना, हरित्राता, और इधर नखई में तृतीया है, बहुवचन,
तृतीया का, तो चाहे एक वचन हो चाहे द्विवचन चाहे बहुवचन उससे मतलब नहीं है, तृतीया है ना। तो नखई की तृतीया का लोप करो, क्या बचेगा? नख। इधर क्या है? मिला दो, पदों को मिलाना ही तो समास है। लेकिन विभक्ति का लोप करके मिलाना, नखई भिन्ना को नखई भिन्ना ना मिला देना, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा है विभक्तिर लुप्यते यत्र, विभक्ति का लोप करके तब मिलाना। बोलो हाँ, यहाँ भी नखई ही है, इधर निर्भिन्ना है, नखई की विभक्ति का लोप करो, नख बचेगा। इधर क्या है? नख निर्भिन्ना होगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब ये बोल रहे हैं कर्त करने का मतलब बता रहे हैं, कर्त करने का मतलब कि कर्ता पद हो या तो कर्ण हो। तो आप इतना जानते हैं कि कर्ता में तृतीया और कर्ण में भी तृतीया, कर्त करने और तृतीया सूत्र है, कर्ता में भी तृतीया और कर्ण में भी तृतीया। तो हरि हमारी रक्षा करें, हरि के द्वारा रक्षित, त्रात माने होता रक्षा करना, तो रक्षा करने वाला कौन है? इसलिए हरि करता है। बोलो हाँ, रक्षा किसने किया? हाँ, तो रक्षा करने वाला कौन है? इसलिए हरि क्या है? ये यही है कर्त्री, या तो कर्ता होगा पहले या तो कर्ण होगा, या तो पहले पद में कर्ता होगा या तो, और जो भी पूर्व पद में कर्ता हो चाहे कर्ण हो तृतीया लगे। बोलो हाँ या ना। अब नखई भिन्ना माने नखों से फाड़ा गया, नखों से कोई ऐसी चीज़ है, मान लो आपके पास अनार है, आपको अनार खाने का मन है, तो आप नाखून से अनार छील रहे हैं, या कि आप संतरा खाने का मन है, संतरा आपके पास है, तो संतरे का छिलका आप किससे निकालते हैं? ना, तो नाखूनों से निकाला गया या फाड़ा गया, तोड़ा गया, जिसमें आप नाखूनों से कर रहे हैं, तो नाखून फाड़ने का, चीरने का, छीलने का साधन है, और जो साधन होता है वही कर्ण होता है। आगे हम आपको कारक में बताएंगे, जो साधकतम होगा वही क्या होगा? साधकतम कर्ण होगा। यहाँ नख साधकतम है, इसीलिए यहाँ तृतीया है, ये कर्त्र और कर्णे तो तृतीया होगी, तृतीया तत्पुरुष में। कोई दिक्कत? कर लेंगे। अब बस सब इसी तरह होगा, चतुर्थी तत्पुरुष में भी वही बात होगी, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो और चतुर्थ्यंत पदों का अर्थ बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों के साथ समास होता है, उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है? सिंपल है। इधर द्वितीया द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्त अपन नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़िए चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित। ये चार पांच शब्द आपको याद रखने हैं कि यदि चतुर्थी विभक्ति के बाद अर्थ शब्द आ जाए, बलि शब्द आ जाए, चतुर्थी तत्पुरुष होगा, हित शब्द आ जाए, चतुर्थी तत्पुरुष होगा, सुख शब्द आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, बलि हित सुख रक्षित सब उत्तर पद में रहेगा, सूत्र में जो भी गिनाया जा रहा है वो, चूंकि तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है? बोलो हाँ या ना। अब पहला पद किस विभक्ति में? पहला पद चतुर्थी विभक्ति में, और बाद वाला पद या अर्थ हो, बलि हो, हित हो, सुख हो, रक्षित हो, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। जैसे युपाय दारु युप दारु। अब ये जो आप पीछे पढ़ रहे थे तदर्थ, तदर्थ प्रणा चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही, युपाय दारु में युपाय में चतुर्थी है, बोलो हाँ या ना। कुंभाय में चतुर्थी का एक वचन है, और भूतेभ्या में चतुर्थी का बहुवचन, गोभ्या में चतुर्थी का, ब्राह्मणाय में चतुर्थी का एक वचन, गोभ्या में, गोभ्या में चतुर्थी का बहुवचन, बोलो ये चतुर्थी तत्पुरुष है। और धनाय में भी देखिए, चाहे चतुर्थी का एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चतुर्थी चाहिए, कोई दिक्कत? और बाद में बलि है, हित है, सुख है, रक्षित है, कामना है, वही हित किया, हित का मतलब कामना भी तो हुआ, तो उनके पर्यायवाची शब्द भी ले लिए जाते हैं। और ये तदर्थ के उदाहरण है। तदर्थ, तदर्थ माने क्या? जिसके लिए, तदर्थ का मतलब जिसके लिए। तो कुंभ के लिए मिट्टी, मृतिका माने मिट्टी, तो मिट्टी किसके लिए? कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने, तो सूत्र में लिखा है, इसके पहले आप देखें, अच्छा इसके आगे नहीं बना क्या? अच्छा इसमें, इसके आगे वाला बनाइए, एक मिनट उस,
उसको पढ़ा लें, खोलिए थोड़ा सा। इतनी बात हमको जाननी है कि पूर्व पद चतुर्थी में होगा, पूर्व पद क्या होगा और बाद का पद या तो तदर्थ होगा या बलि होगा या हित होगा या सुख होगा या रक्षित होगा। बात समझ में आ गई? चाहे तो आप वाला सूत्र याद करें, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही, और वो सिर्फ यही बताता है कि बाद में यदि बलि हो, बाद में उत्तर पद में क्या हो, बलि शब्द हो। इसलिए देखिए उदाहरण लिखा ना कि जैसे कहें कि ब्राह्मणाय हितम, याद करिए ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय में क्या है, चतुर्थी है, तो समास में विभक्ति का लोप होता है, तो ब्राह्मणाय की चतुर्थी का लोप करिए, ब्राह्मण बचा, और आगे हितम है, अब ब्राह्मण और हितम को मिलाओ तो क्या बनेगा, ब्राह्मण हितम। अब इसी को कहें कि भाई ब्राह्मण हितम का विग्रह करिए, तो हित शब्द लगा है ना, हित, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण का विग्रह करते समय ब्राह्मण में चतुर्थी लगाना है। ऐसे ना लिख दो कि ब्राह्मणा हितम, ब्राह्मण हितम का यदि विग्रह पूछेगा समास विग्रह, तो आप कैसे विग्रह में चतुर्थी लगाएं। मान लो कुछ लोग पूछे सर कैसे जानेंगे चतुर्थी लगाएं, अरे भाई हित शब्द बता रहा है ना, हित शब्द कह रहा है कि हित शब्द उसी के साथ लगता है जिसमें चतुर्थी लगी हो, बोलो हाँ, इसलिए ब्राह्मणा हितम ऐसा लिखेंगे। मान लो गोभ्या हितम है, उदाहरण क्या है, गोभ्या हितम, बोलिए गोभ्या हितम, गोभ्या में चतुर्थी का बहुवचन है, बोलो हाँ, तो पहले जिसमें विभक्ति लगी उसका लोप करो, का बचेगा, गो बचेगा, गो, गो का चतुर्थी बहुवचन गोभ्या है ना, और आगे हितम है, अब बनाओ गोभ्या का चतुर्थी लोप हो गया, गो बचा हित, तो गो हितम बनेगा। अब आपसे पूछेगा गो हितम में कौन समास है, गो हितम में कौन सा समास है, चतुर्थी तत्पुरुष, बोलो हाँ या ना। अब हितम शब्द को देख करके यदि पूछ ले कि गो हितम का विग्रह करिए, तो चाहे गो में चतुर्थी का एक वचन लगाओ चाहे चतुर्थी का बहुवचन लगाओ, दोनों सही होगा, आपके विकल्प में जो हो उसको सही कर देना। चतुर्थी बन, आप गो हितम बोलेंगे इसका मतलब गाय का हित, गाय का हित, गाय के हित करना, गाय का कल्याण करना। जब आप गाय को खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, तो आप गो हितम कर रहे होते हैं। या ब्राह्मणाय हितम में ब्राह्मण का हित, किसी ब्राह्मण का आप अच्छे से हित कर रहे हो, वही ब्राह्मण सब में सब यही देखना है केवल। दो दो चीज़ें आपको देखनी है, पहले पद में चतुर्थी और बाद में हित सुख रक्षित इत्यादि। कोई दिक्कत, कर लेंगे ना, आगे इसके बाद पंचमी वाला लगाइएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पक्का? तो मैं तत्पुरुष समास पूरा करके थोड़ी देर के लिए आपको विराम दूँ, उसके बाद जब तत्पुरुष पूरा हो जाएगा तो दो ठो समास और सरल सरल बचेगा, उसको भी पढ़ के जाइए। कोई दिक्कत, दिक्कत हो तब भी पढ़ के जाइए। अष्टमी है, कुछ लोग व्रत होंगे, बाहर जाके नारियल पानी वानी पी लें, सादा पानी पी लें, गुड़ खा लें, नहीं तो नेबुआ चाट लें पानी के साथ। अब व्रत हमारा भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको, आप बैठे हैं, हम खड़े हैं, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बोलिए हाँ, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या, चार ही दिन हम रहेंगे, वैसे भी हमको दशहरे में चले जाना, तो बेहतर हमारे पाठ्यक्रम में पहली मीटिंग में आज समास है। कोई दिक्कत, और समझ में भी आ रहा है, बहुत बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, आसान लग रहा है, वो समझ गए आप उसको, कोई दिक्कत। तन पंचमी तत्पुरुष में जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद पंचमी में हो, पूर्व पद किस में हो और पंचम्यंत पदों का भय के साथ समास हो, भय शब्द के साथ, किसके साथ, तो पंचमी तत्पुरुष होगा। पंचमी भयेन, छोटा सा सूत्र याद कर लो, पंचमी भयेन, भय शब्द आएगा बाद में, या भय का पर्यायवाची आ जाए, जैसे भीति ही आ जाए, ये भी भय का पर्यायवाची है, या भय शब्द आ जाए, और पहला वाला पद पंचमी में रहेगा, पहला पद और दूसरा पद भय रहेगा, भय माने डर ना। देखिए चोरात में पंचमी है, बोलो हाँ, पंचमी है, व्याघ्रात में पंचमी है, सिंघात में पंचमी है, ब्रकात में पंचमी है, ये पंचमी भयेन की पंचमी, बोलो हाँ, पंचमी भयेन सूत्र ने कहा कि पहला पद पंचमी में होगा
और आखिरी में भय पद होगा। अरे भीता भीति ये भी भय से ही बना हुआ है, उसी के शब्दार्थ हैं, उसी का पर्यायवाची है। तो भय का मतलब भय, भयार्थक जो भी शब्द हो, चाहे भय हो, चाहे भीता हो, चाहे भीति हो। तो देखिए चौरात में पंचमी है, तो समास होते समय सभी पदों का लोप होता है। बोलो हाँ या ना, पढ़ के आए ना, ये नियम सब में लगेगा। तो चौरात की पंचमी का लोप करो, चोर तुम चोर, हमको चोर चोर कह रहे हैं। बोलो चोर बचा, चोर बचा, पंचमी का लोप होने के बाद चोर और भय को मिला दो, कोई दिक्कत? बोले इतना सरल है, हाँ इतना ही सरल। इधर व्याघ्रात की पंचमी हटाओ और इधर से भयम मिलाओ, क्या करेंगे? देखो विभक्ति का लोप करते समय तो भयम की भी विभक्ति का लोप होता है, आए दोनों पदों की विभक्ति का लोप होता है। इसके बाद चोर बचेगा, इधर बचेगा भय, बनेगा चोर भय। अब चूंकि भय शब्द नपुंसक लिंग में है तो इसका जब ये समास हो जाएगा तब तो पद बन जाएगा ना, तब फिर इसको हम चोर भयम सू लाएंगे, फिर से पद बनाएंगे। यानी इधर की भी विभक्ति का लोप होता है, इधर की भी विभक्ति का लोप होता है। समाज की परिभाषा पढ़ें, विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैक पद्यम तो समासा सो विधीयते, यही समसनम समासा है। अब देखना चोरात और भयम, चोरात और भयम में दो पद थे, एक चोरात में पंचमी वाला था, एक भयम में। अब क्या यहाँ चोरात में पंचमी है और भयम में तो एक ही विभक्ति लगी है ना, यहाँ दो विभक्तियाँ थी, एक पंचमी एक प्रथमा, यहाँ दो विभक्ति थी और यहाँ एक ही विभक्ति है। समास यदि संक्षेपीकरण है तो आप पूछे ना कि सर संक्षेप क्या हुआ? अरे संक्षेप ये हुआ कि यहाँ पंचमी और प्रथमा दो विभक्तियाँ थी, यहाँ एक ही विभक्ति है। यहाँ चोरा ता भयम, यहाँ बड़ा आ था ता था, अरे रत्ती मात्र भी छोटा हुआ हुआ तो चोर भयम बना। और चोर भयम का भी वही अर्थ है जो चोरात भयम का है। चोरात भयम का मतलब हुआ चोर से डर, और चोर भयम का भी मतलब हुआ चोर से। बाघ जानते हो? बाघ, बाघ संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? डर लगता है उससे? अरे हाँ ना बोलबो। हाँ जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं है भाई जाओ यहाँ, यहाँ कोई वो है पशु जहाँ शेर और भेड़े रहते हैं चिड़ियाघर? अजय के कहा तो कि हमको बाघ से डर नहीं लगता है, सिंह से डर नहीं लगता है, तो जो उन्हें चिड़ियाघर में शेर होए बाघ होए वहीं मको उठा के फेंक दे, जाए अपन बाघ से लड़ाए सिंह से रहाए। बोलो हाँ, चिड़ियाघर में आप बाघ और सिंह बेड़ा हुआ देख लें तो डर लगता है, और खासकर सिंह निहार दे, बाघ निहार दे ऐसे करके और आवे ला गए तो कीक छोड़ के भाग ली हो। तो जिससे डर लगे उसमें पंचमी। किससे डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? किससे डर रहे हैं? और बाद में भय शब्द हो तो पंचमी का लोप करके, भय के भी व्यक्ति का लोप करके पंचमी भयेन सूत्र से पंचमी तत्पुरुष समास करेंगे। इसलिए जब आपसे पूछे कि चोर भयम में कौन समास, भाई या तो विकल्प में लिखा होगा कि तत्पुरुष समास अव्ययी भाव की द्वंद्व की कर्मधारय, तब तो तत्पुरुष में मार दो। पर ऐसे लिखा हो कि पंचमी तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष द्वितीया तत्पुरुष, जब चारों में तत्पुरुष हो तब तो हमें पंचमी तत्पुरुष लगाना है। देखिए ऐसे भी पूछता है कि ऐसे पूछ ले कि भाई व्याघ्र भयम में कौन सा समास है और लिख दे कि अव्ययी भाव तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व, तो ये तो आसान है, तत्पुरुष मार दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि व्याघ्र भयम में समास पूछेगा और कहेगा कि द्वितीया तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष की पंचमी तत्पुरुष की षष्ठी तत्पुरुष, ऐसे पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना कि यदि भय शब्द है तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है, हाँ या ना बोलो, तो हमेशा तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष है ये उत्तर पद से पूछना। किससे पूछोगे? यदि उत्तर पद में बलि हित सुख रक्षित दिख जाए तो यदि उत्तर पद में भय दिख जाए तो, यदि उत्तर पद में श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त दिख जाए तो, यदि उत्तर पद में पूर्व सदृश सम ऊन कला निपुण मिश्र दिख जाए तो, कितना आसान है। चूंकि उत्तर पद में तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता है तो आपको पूर्व पद में
हल्ला करने नहीं है। उत्तर पद से पूछो कि ऐ उत्तर पद तुम कौन समास हो, तो यदि बलि है, सुख है, रक्षित है, तो कहेगा हम चतुर्थी आ हैं। क्या बोलेगा वो? यदि श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन, ये शब्द उत्तर पद में है, हाँ या ना बोलो, तो ये समास चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा कि हम द्वितीय आया है, ने हम द्वितीय तत्पुरुष आयन हम्मा श्रित लगा है श्रित, ये देख हमारे पीछे अतीत है अतीत, हम द्वितीय आया है, नहीं बोल रहा है। सुनने वाला समझने वाला चाहिए, बोलो हाँ। कुछ लोग कहें सर बड़ा कठिन, कहाँ कठिन है, भय शब्द आ जाए, चाहे चोर भयम आए, व्याघ्र भयम आए, बाप भयम आए, महातारी भयम आए, बहनी आगे जेको हो पंचमी लगा दो, मारो आगे बढ़ो। भय को देख करके पूर्व पद में पंचमी लगाओ, विग्रह बनेगा। अब आपसे पूछे कि सर चोर भयम में कैसे विग्रह करेंगे, अरे भय का देख के चोर में पंचमी लगाओ, आगे बढ़ो, बोलो हाँ या ना। बोले सर सिंह भीति ही लिखा है, भीति भी तो भय है, भीति को देख करके सिंह में पंचमी लगाओ, सिंघात बनेगा, सिंह भीति। मान लो आपको पिता से भय है तो पिता में पंचमी लगाओ, विग्रह बन जाएगा, और पंचमी हटा दो समास बन जाएगा, पंचमी हटा दो समास बन जाएगा, और समास वाले में पहले वाले पद में पंचमी लगा दो विग्रह। कहीं सर विग्रह बड़ा कठिन है, लुल्ल हो तुम, कठिन कहाँ है बे, पहले पद में पंचमी लगाओ, भय को देख करके बात खत्म, हाँ बोलो हाँ। विग्रह आसान है, विग्रह आसान है, और समास इसलिए आसान है कि तो कहीं ना भैया डब भय शब्द आएगा पंचमी हो जाएगा। अब कोई कहे चोर भय में षष्ठी वक्त, लुल्ल हो तुम, षष्ठी नहीं है, पंचमी तत्पुरुष है, बोलो हाँ या ना हाँ। अब चतुर्थी बलि, बाद में बलि है, हित है, सुख है, रक्षित है, बोले कौन समास है, कहीं द्वितीय, द्वितीय लगाओ, तृतीय लगाओ, चतुर्थ, अरे बलि हित सुख रक्षित है चतुर्थी लगाओ, नहीं लुल्ल हो जाओगे। अब बोलो हाँ या ना। अब ब्राह्मण हितम लिखा है तो बोले ब्राह्मण में चतुर्थी लगाओ, विग्रह बन जाएगा, और चतुर्थी हटा दो समास बन जाएगा। भयम पद आया है पहले पद में पंचमी लगा दो तो विग्रह बन जाएगा, पंचमी हटा दो सामासिक पद बन जाएगा, बोलो हाँ। किस पद की प्रधानता है, और उत्तर पद में भय आना चाहिए। ये प्रधानता इसलिए है कि आप देखें कि भय शब्द के कारण चोर में पंचमी लग रही है, भय शब्द के कारण चोर में पंचमी लग रही, बोलो हाँ। बल हित सुख रक्षित पदों के कारण इनमें चतुर्थी लग रही, गोभ्या बलि ब्राह्मण इत्यादि में, श्रित अतीत पतित गत इत्यादि के कारण कृष्णम रामम सम्य द्वितीय लग रही, बोलो हाँ। इसीलिए उत्तर पद की प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता। अच्छा चोर भयम का मतलब हुआ आप डरते हैं, पर आप कहें भाई चोर से आपको लगता क्या है, चोर लगता है कि डर लगता है, का लगता है, तो कि चोर लगता है, डर ना लगता है, इसीलिए लगता क्या है, डर लगता है। अब वो डर चोर से हो सकता है, बाघ से हो सकता है, सिंह से हो सकता है, ब्रिक माने भेड़िए से हो सकता है, कुछ लोग बाप से भी डरते होंगे, कुछ चाचा से डरते होंगे, कुछ मास्टर से डरते होंगे, कुछ अपनी मैडम से डरते होंगे, अब कुछ बाप ऐसे होंगे जो उन्हें अपने जवान लड़कियों से डरते होंगे, बोलो हाँ या ना। तो जिससे डर लगे उसमें पंचमी ठोंक देना, का ठोंकोगे हाँ, लेकिन बाद में भय रहे, जब डर लागे तब पंचमी लगाए, बिना डरे पंचमी कोई दिक्कत। अब षष्ठी करो, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में, वही बात है, जिस समास में द्वितीय हो पूर्व पद में द्वितीय तत्पुरुष, जिसमें तृतीय हो तृतीय तत्पुरुष, जिसमें चतुर्थी हो चतुर्थी तत्पुरुष, जिसमें पंचमी, तू बोला नहीं वहाँ सांस रुक गई, जिसमें पूर्व पद में पंचमी हो तो पंचमी तत्पुरुष, और जिसमें, तो ऐसे षष्ठी वाले सुबंत के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, सूत्र है षष्ठी, सूत्र क्या है, इसमें उत्तर पद पाणिनि नहीं बताए, षष्ठी भर लिखा है, क्या लिखा है, ये षष्ठी सूत्र है, षष्ठी क्या है, इसका मतलब भय आएगा तो पंचमी, श्रित अतीत पतित गत इत्यादि आएगा तो द्वितीया, और पूर्व सदृश सम ऊन इत्यादि आएगा तो तृतीया, और इसी तरह बल हित सुख रक्षित आएगा तो चतुर्थी, भय आएगा तो पंचमी, इसके बाद कोई पद आएगा सब में षष्ठी ठोंको बस, बोलो हाँ, सब में क्या ठोंकते जाना है। इसीलिए तत्पुरुष समास में सबसे ज्यादा उदाहरण मिलेंगे किसके,
भाई बल हित सुख रक्षित में कमे मिलेंगे, चार पांच तो शब्द हैं, बोलो हाँ। श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त में इतने शब्द हैं, इतने शब्द आएंगे तो द्वितीय होगा, नहीं नहीं होगा। लेकिन यहाँ पाणिनि ने उत्तर पद नहीं गिना है, बोले कि अब इसके अलावा पहले वाला पद षष्ठी हो और बाद वाला कोई भी पद आए, सब में क्या ठोंकना है? षष्ठी तत्पुरुष क्या लगाना है? अब देखना, नराणाम षष्ठी है, विद्याया में षष्ठी है, हिमस्य में, राज्ञा में, राजन शब्द का षष्ठी राज्ञा बनेगा, राज्ञा में क्या है? यहाँ भी षष्ठी, यहाँ भी षष्ठी, यहाँ भी षष्ठी, यहाँ भी षष्ठी, यहाँ भी, यहाँ भी, सबके पूर्व पद में षष्ठी है कि नहीं? और उत्तर पद पाणिनि कुछ बताए ही नहीं, बोले कि उत्तर पद में कोई भी आए लेकिन पहला पद षष्ठी रहे, तो यहाँ पति ही आलया आलया सेवका पुरुषा कुमारा पुत्रा माता पुत्रा पति, बोलो हाँ। तो नराणाम पति ही माने नर, माने लोग, लोगों का स्वामी नरपति। ध्यान रखना समास में विभक्तियों का लोप होता है। नराणाम में षष्ठी बहुवचन है, लोप करो, क्या बचेगा? और इधर क्या है, मिला दो, क्या बना? कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। अब देख लो यहाँ पति है, क्या द्वितीय तत्पुरुष समास हो सकता है? वहाँ पति शब्द गिनाया नहीं गया। श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन में द्वितीय होती है, इसमें से कोई है? भय आए तो पंचमी होनी चाहिए, बाद में भय है, और बलिहित सुख रक्षित आए तो चतुर्थी होनी चाहिए, कुछ है? तो इन्होंने यही बताया कि जो हमने बता दिया उतने पदों में, तो जिसमें द्वितीया बताई द्वितीया करना, जिसमें तृतीया बताई तृतीया करना, जिसमें चतुर्थी बताई चतुर्थी करना, जिसमें पंचमी बताई पंचमी करना, और जिसमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं, मान लो बाद में हस्बैंड आ गया तो, अरे हस्बैंड है तो आए, पति को आए, बोलो। अरे यहाँ देखो आलिया है, यहाँ सेवका है, यहाँ पुरुषा है, यहाँ कुमारा है, यहाँ पुत्रा है, यहाँ माता है, पत्नी भी हो सकता है। आप सोचो कि सर पति के समास हो गया, पत्नी के हो जाएगा, बाद में पत्नी रखो, और किसकी पत्नी? राम की पत्नी, कृष्ण की पत्नी, तुम्हारी पत्नी, हमारी पत्नी, बस जिसकी हो उसमें षष्ठी लगाना। रामस्य पत्नी, राम पत्नी समास बनेगा षष्ठी का, ऐसे समझ में आ गया। और वहाँ देखो सीता या पति कहीं लिखा है? हाँ ये लिखा है, सीतायाः पति, सीता के पति, षष्ठी का अर्थ होता है काके की, बोलो हाँ। सीतायाः माने सीता के, पति माने हस्बैंड, सीता के हस्बैंड कौन? सीतापति माने कौन? सीतापति माने कौन? राम। ऐसी राज्ञा माता, राजा की माँ, राज माता, राजा की माता। राज्ञा पुत्रा, राजा का पुत्र। अब राज्ञा की षष्ठी का लोप होगा, राज बचेगा और पुत्र आएगा, तो राज और पुत्र मिला देंगे, राजपुत्रा बनेगा। ऐसी हिमस्य, हिमस्य में षष्ठी का लोप करो, क्या बचेगा? अब हिम बचा तो हिम के माँ में आ भी तो है, आगे आ है, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि हो गई, हिम आलय, हिमालय, हिम का घर, आलय माने घर, आलय माने। विद्या या की षष्ठी का लोप करो, क्या बचेगा? विद्या, आगे क्या है? विद्या के दया में आ है, आलय का आ है, दीर्घ संधि करिए, क्या बना? कोई दिक्कत? दशरथस्य की षष्ठी का लोप करो, क्या बचेगा? और पुत्रा का भी लोप करो विभक्ति का, तो दशरथ पुत्र बनेगा ना, और उसके बाद विभक्ति लगाएंगे, दशरथ पुत्रा बनेगा, दशरथ का पुत्र, दशरथ पुत्रा का। देखो विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, विभक्ति का लोप तो होता है लेकिन अर्थ की प्रतीति होती रही। कई सारे पद मिलकर एक पद, दो पद मिलकर के एक पद मिल गए, यही है पदानाम चैक पद्यम तु समासा सो विधीयते। पहले जो पढ़ के आए हैं उसको नहीं भूलना, कोई दिक्कत? अब सप्तमी सौंडई ही देखिए, अब षष्ठी के उदाहरण बहुत है ना, चांपा उदाहरण है, कितना उदाहरण पढ़ाएंगे, सब किताब में लिखा है, और नहीं तो आगे आपको फिर इन उदाहरणों की क्लियरिटी के लिए इतना जानना है कि जहाँ पर भय होगा तो पंचमी, बल हित सुख रक्षित होगा तो चतुर्थी, पूर्व सदृशम ऊन इत्यादि होगा तो तृतीया, बोलो हाँ। और श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन होगा तो, और जहाँ किसी पद को पाणिनि नहीं कहते लेकिन समास हुआ है, सब जगह षष्ठी, इसीलिए षष्ठी तत्पुरुष समास का सबसे ज़्यादा उदाहरण मिलता। अब सप्तमी समुंडई, सप्तमी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो, वही बात है, एक ही चीज़ को बार बार करें,
जिस समास में पहला पद द्वितीय में हो, द्वितीय तत्पुरुष पहला पद तृतीय में हो, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ऐसे सप्तम में अंत सुबंत यानी पदों के साथ शौंडाद गण में पठित शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। शौंडाद एक गण है, गण माने शब्दों का समूह। पाणिनि ने गण बनाए हैं जिसमें सौंड इत्यादि शब्द रखे, तो हम आपको शौंडादि गण के कुछ शब्द बता देते हैं कि शौंडादि गण में कौन कौन शब्द हैं। तो पाणिनि यहाँ भी लिखते हैं सप्तमी, मतलब सप्तमी विभक्ति पहले हो, और सौंडई माने सौंड इत्यादि शब्द बाद में हो। अब शौंडई में तृतीया का बहुचन है, सारे पद पाणिनि ने नहीं लिखे क्योंकि शौंडादि गण में पहले पद लिख चुके हैं। यदि आप अष्टाध्यायी पढ़ते तो शौंडादि गण में कौन कौन पद आते हैं ये पाणिनि पहले बता चुके हैं, और एक बार पाणिनि कुछ बता देते हैं दोबारा नहीं बताते, संकेत कर देते हैं, कहें पीछे बताएं जाके देख ले, ठीक है, तो सौंडई ही कह के छोड़ दिया। लेकिन अब चूंकि आप पीछे से पढ़ के आए नहीं, इसलिए मैं आपको शौंडादि गण के शब्द बता देता हूँ कि कौन कौन शब्द। यहाँ तक समझ में आ गया, सप्तमी विभक्ति पहले हो और शौंडादि गण के पद बाद में हो तो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। बोले हाँ। देखिए अक्षेश में सप्तमी का बहुवचन है, कार्य में सप्तमी का। देखो पहला पद तो ना द्वितीया में बताया गया, क्या द्वितीया तत्पुरुष में पहला पद बताया गया क्या कौन हो? नहीं बताया गया ना। तृतीया विभक्ति में भी, चतुर्थी में, पंचमी तत्पुरुष में, षष्ठी तत्पुरुष में, सप्तमी, किसी में पूर्व पद क्यों? पूर्व पद इसलिए नहीं बताया गया कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद का कोई मतलब है नहीं। पूर्व पद का तो मतलब अव्ययी भाव में था, पूर्व पद प्रधान यहाँ नहीं है, इसीलिए देखे तत्पुरुष समास के सभी सूत्रों में उत्तर पद की चर्चा है। सारे सूत्र तत्पुरुष के किसकी चर्चा करते हैं? क्योंकि इसकी परिभाषा है उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषा, इसलिए सारे सूत्र उत्तर पद को बता रहे हैं कि भैया अच्छा उत्तर पद से ही आपको पूर्व पद में विभक्ति लगानी है। अब ये देखना सौंडा है, सौंडा ये सौंडादिगण का पहला शब्द है, कुशल ये भी सौंडादिगण का है, कुशल है, श्रेष्ठ है, निपुण है। तो आप नोट कर लें, चाहे इसको उदाहरण देख लें या किताब में लिखा होगा, शौंड कुशल निपुण श्रेष्ठ, ये सारे शब्द जो इस प्रकार से आते हैं, उत्तम भक्ति निपुण, ये सब उदाहरण किसके हैं? सौंड गण के। ये सब शब्द किसके हैं? सौंड गण, और खासकर कुशल निपुण श्रेष्ठ सौंड इत्यादि को याद रखिएगा। 5-7 शब्दों को पाणिनि बताते हैं कि यदि सौंड शब्द आए, शौंडा शब्द मतलब होता है होशियार, चतुर, चलांक जिसका गांव में कहते हैं चलांक, चंट जिसको कहते हैं चंट, चंट समझते हैं, चलांक नटीहा, चलांकी समझो, चलांक सब चीज में चलांकी। तो शौंड उसको कहते हैं जो बहुत चालांक हो, बहुत चतुर हो ना। आप कभी पांसा खेलें, पांसा चंदा पांसा नहीं खेले, ताश खेलें, ताश तो ताश खेले होंगे, अरे खेले हुई हो बताते नहीं हो, दाला पकड़। तो यदि आपने ताश कभी खेला हो तो कुछ लोगों को देखते हैं कि जब वो पीसते हैं ताश तो इतने साउंड होते हैं, इतने साउंड होते हैं कि सब एक्का अपने में ले लेते हैं, बादशाह अपने में ले लिए, इतना बढ़िया बांटते हैं कि तुम देखत रही हो, बैठ रही हो, लेकिन अच्छी अच्छी पत्ती अपने में ले ली, तुका दुक्की तिक्की चौकी पंजी दे दी। वो साउंड है, वो क्या है? साउंड का अर्थ आप समझ लें पहले। अथवा मान लीजिए आप पांसाओं से खेलते हैं, कुछ लोग जैसे गुट्टी पीली दो, चार पड़ेगा, छह पड़ेगा, वो देख लेंगे कि तीन पड़ेगा तो तुम्हारी गुट्टी मारी जाएगी, तो ऐसा ऐसा पांसा पकड़ करके ऐसा ऐसा लहाए कि शकुनी जैसे फेंकेंगे कि तीने पड़ेगा, उनकर हर बार चार ही आएगा, कभी आठ आएगा, कभी छः आएगा, पांसा में छः पड़ जाए, आठ पड़ जाए, आप जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। बोलो हाँ या ना। तो जो जैसे शकुनी साउंड है, शकुनी क्या है? ये साउंड है, चतुर है, धूर्त है, चलांक है, ये पूछता है हर बार किससे दुर्योधन के, भांजे कितना पांसा खेला देखे होगा, युधिष्ठिर के साथ पांसा खेल रहे थे, तो खेल तो दुर्योधन और युधिष्ठिर रहे थे लेकिन पांसा चल रहा था मामा, तो मामा पूछता था कि भांजे, तो देखता था, कहता था कि मामा जी पाँच, मामा जी आठ, मामा जी बारह, तो ऐसा बढ़िया वो चलाकी से पांसा फेंकता था कि आठे पड़ता था,
रामायण महाभारत देखे हो कब? अरे टीवी में देख लेना। उनको बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं? और किसी काम में कुशल, जैसे कोई पढ़ाने में कुशल है, कोई वीणा बजाने में कुशल है, कोई तैरने में कुशल है, बोलो हाँ, वो लोग कुशल हैं। कोई होता है निपुण, उसी तरह का निपुण भी अर्थ है, जैसे वीणा बजाने में निपुण है, या दौड़ने में कोई निपुण है, कोई क्रिकेट खेलने में निपुण है, कोई भाषण देने में निपुण है, कोई सुनने में निपुण है, कोई सुनाने में निपुण है, कोई गाना लिखने में निपुण है, कोई गाने में निपुण है, कोई नाचने में निपुण है, कोई नचवाने में निपुण है। कुछ लोग नाचते नहीं है पिक्चरों में, केवल नचवाते हैं, बोले ऐसे ऐसे ये स्टेप में ऐसे ऐसे करो। आप डांस डायरेक्टर सुने हो कि नहीं? डांस डायरेक्टर अर्थात वो हीरो हीरोइन को बताएगा कि कैसे नाचो, बोलो हाँ या ना। अब कुछ एक्टर होते हैं, एक्टिंग करने में निपुण है, कुछ करवाने में निपुण है। कुछ लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे रो, वैसे रो, अपना नहीं रोएंगे। डायरेक्टर का काम क्या है? केवल बताता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और सब करवा करते हीरो हीरोइन है, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब आपको इसको पूरे कर लें, तब नहीं तो सप्तमी बचा रहेगा। लाइट चली जा दो, तुम्हार लाइट तो बची है, तुम्हार तो नहीं फ्यूज भा। इसको कर लेंगे ना तो आपको यहाँ फिर 5 मिनट का आपको विराम देंगे, थोड़ी देर में फिर से एक द्वंद्व और द्वगु को पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? अब देखना अक्षेश सौंडा हमें दिख रहा है, साउंड पद बाद में है, अक्ष में सप्तमी है, समास में होता यह है कि विभक्ति का लोप होता है, तो अक्षेश की विभक्ति का लोप करो। और इधर क्या है, क्या बनेगा? अक्ष साउंड में पूछेगा कौन समास, बाद वाले पद को देख करके समाज डिसाइड होगा। समाधि ग्रंथ के पाणिनि लिखा सप्तमी समदई समद इत्यादि पद बाद में हो तो कौन सा समास, बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो लिखा हो वे कुशला, बोलिए ये कुशल शब्द सौंडादि गण का है, कुशल शब्द कहाँ का है? तो युद्ध में सप्तमी है, कुशल शब्द आया इसलिए युद्ध में सप्तमी है, सप्तमी का लोप करो। आगे क्या है, क्या बनेगा? अब युद्ध कुशला में कौन समास, किस सूत्र से, किस सूत्र से सप्तमी समुंडई, बोलिए क्या बोलना है? सप्तमी चलाइए यार, सप्तमी समुंडई ही बोलिए। अब देखना निपुण शब्द देखना सप्तमी लगा देना, बोलो हाँ। कुशल शब्द देखना, श्रेष्ठ शब्द देखना, साउंड शब्द देखना, पहले वाले पद में सप्तमी लगा देना। और यदि मान लो ऐसे अब आपसे कोई भी पूछे युद्ध कुशला हा, वीणा निपुणा हा, क्रीड़ा निपुणा हा, या क्रीड़ा कुशला हा, तरण कुशला हा, अब लिखा है तरण कुशला में कौन समास है, तो दिख रहा है कुशल शब्द बाद में है, कुशल शब्द हो, निपुण शब्द हो, श्रेष्ठ शब्द हो, सौंड शब्द हो, तो बाद वाले पद को देख करके समास लगाना, खासकर तत्पुरुष में, क्योंकि तत्पुरुष की परिभाषा यही है क्या, उत्तर पद प्रधान है, तो आपको तत्पुरुष बिना उत्तर पद को देखे नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। हमें तत्पुरुष पकड़ना हो तो हमको उत्तर पद देखना है, बोले हाँ या ना। कर लेंगे सप्तमी तत्पुरुष भी कर लेंगे ना, कोई दिक्कत? आधे घंटे या 45 मिनट का समास और है, क्योंकि जब आप ये सबसे बड़ा समास था, तत्पुरुष समास एक तरफ बाकी समास एक तरफ, बोलो हाँ। आपका तत्पुरुष हो गया है सप्तमी तक, तो आपको द्वंद बहुब्रीही पढ़ाना है, तो 5 मिनट आप थोड़ा विश्राम करके आइए, पानी वानी पी करके आइए, इसके बाद हम आपसे इसी सत्र में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अगले सत्र में हमें प्रत्यय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाँ, तो आज खाने पीने का झंझट होगा नहीं, बहुत तेरे सब व्रत होंगे, तो का कर जाएगा, पानी सानी पी के आओ।